नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ल, एसोसिएट प्रोफेसर बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर मुखातिब हूँ बीए थर्ड ईयर सेक्शन डी के छात्रों के साथ में। और छात्रों, हमने ज्योग्राफी ऑफ इंडिया सेकेंड पेपर के क्रम में पहले आपसे जो नोट्स शेयर किए, पीडीएफ शेयर की थी, आज उसी पर बात करते हैं। वो है इंडियन ड्रेनेज सिस्टम पर भारतीय अपवाह तंत्र नदी विकास के क्रम में। भारतीय नदियों की जो विशिष्टता है वो हम दो भागों में बांटेंगे। एक क्रम जिसको हम बोलते हैं उत्तर भारत के स्वरूप में हिमालय की नदियों का अपवाह क्षेत्र, और दूसरा प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का अपवाह क्षेत्र। इस क्रम में इनका स्वरूप देखते हुए हम चर्चा करेंगे। हिमालय की नदियाँ तीन मुख्य नदी तंत्र से जुड़ी हुई हैं, जिनमें सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र प्रमुख हैं। ये तीनों तंत्र विकास के एक लंबे तथा उतार चढ़ाव वाले इतिहास से गुजरे हैं। ये नदियाँ तिब्बती उच्च प्रदेश के दक्षिणी ढाल से निकलती हैं और हिमालय के अक्ष के समानांतर अनुदैर्ध्य द्रोणियों में लॉन्गिट्यूडिनल ट्रॉट्स में बहने के पश्चात मैदानों तक पहुंचने के लिए पर्वतों को भेद कर अचानक दक्षिण की ओर मुड़ती हैं। सिंधु, सतलज, अलकनंदा, गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्र गहरे महाखड्डों गॉर्ज का निर्माण करती हैं। इन महाखड्डों के द्वारा हमें ये जानकारी मिलती है कि इन नदियों की स्वरूप पर्वतों से भी बहुत स्थिति में काफ़ी पुराने क्रम से जुड़े हुए हैं। विद्वानों का मत है कि इनके निर्माण, नदियों के निर्माण हिमालय के निर्माण की सभी अवस्थाओं से जुड़े हुए रहे हैं, ये तभी यहाँ पर बह रही हैं। अब बात करें हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अपने अपवाह का एक ज्वलंत उदाहरण बनाती हैं। ढाल के क्रम में हैं इन नदियों के क्रम में अगर अपन बात करते हैं तो विशाल नदी निम्नलिखित तंत्रों तथा उपतंत्रों में विच्छेदित है, जिसमें हम कह सकते हैं सिंधु नदी, पंजाब में सिंधु नदी का पांचों सहायक नदियां सतलज, व्यास, राबी, चिनाब व झेलम में विभक्त होना, गंगा तथा हिमालय से निकलने वाली उसकी सहायक नदियां, असम में ब्रह्मपुत्र तथा हिमालय से निकलने वाली उसकी सहायक नदियां। उपरोक्त विच्छेदन निम्नलिखित दो घटनाओं का परिणाम था। पहला, प्लीस्टोसीन युग में पश्चिमी हिमालय में हुई भूगर्भिक हलचलें, जिन्हें पोटवार पठार का उत्थान भी सम्मिलित है इनमें से, और दूसरा हिंद ब्रह्म नदी की निचली घाटी में इसकी सहायक नदियों द्वारा सिरसाभिमुख अपरदन। उपरोक्त परिवर्तनों के कारण विशाल नदी की प्रवाह दिशा में प्रत्यावर्तन रिवर्सल हुआ तथा इसके मध्य भाग में विच्छेदित नदी अर्थात गंगा के दक्षिणी मार्ग अपना लिए और यमुना को अपनी सहायक नदी के रूप में मिला लिया। इस घटना से पहले यमुना संभवतः दक्षिणी पश्चिमी दिशा में सिंधु नदी की सहायक नदी के रूप में प्रवाहित थी। सतलुज तथा यमुना के बीच स्थित प्रदेश में सिंधु तथा गंगा तंत्रों के बीच सहायक नदियों का विनिमय पिछले प्राक अभिनव काल सब रिसेंट में सामान्य घटना रही है। यद्यपि उपरोक्त सिद्धांत को पर्याप्त मान्यता मिली तथापि यह सर्वमान्य नहीं कहा जा सकता, इसमें भी बहुत से लोगों को आपत्तियां रही हैं। अब बात कर लें तो हिमालय नदी प्रवाह क्रम में प्रमुख सिंधु अपवाह द इंडस ड्रेनेज सिस्टम। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों का विस्तृत क्षेत्र है जहां पर ये अपवाहित हैं। अकेले सिंधु नदी ही हिमालय प्रदेश के लगभग 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करती है। सतलुज नदी, व्यास नदी, रावी, चेनाब तथा झेलम जैसी प्रसिद्ध नदियां इसकी सहायक नदियां हैं।
इनमें से झेलम पीर पंजाल से निकलती है, अन्य सभी नदियाँ हिमालय पर्वत से निकलती हैं। विभाजन के बाद इस अपवाह क्षेत्र का बहुत सा भाग पाकिस्तान में चला गया है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। ये तिब्बत में 5180 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर झील के निकट स्थित है। अपने स्रोत से पश्चिम उत्तर पश्चिम में लगभग 320 किलोमीटर की दूरी तक बहने के बाद ये नदी 4206 मीटर की ऊंचाई से जम्मू कश्मीर के भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। और इस पर बात करें तो इसकी पांचों सहायक नदियां जो पंजाब की हैं पंचनद बनाती हैं। इसके अतिरिक्त ये सभी नदियां आपस में विभिन्न स्थानों पर मिलती हैं, फिर इनका संयुक्त प्रवाह मेथनकोट के निकट सिंधु नदी में मिल जाता है। और ये नदी जो प्रमुख रूप से इसका जल ग्रहण लगभग 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 3,21,290 वर्ग किलोमीटर भारत में है। शेष पाकिस्तान के साथ हुए सिंधु जल समझौते के अनुसार विभाजित है, अर्थात भारत इसके कुल जल का लगभग 20% जल उपयोग कर सकता है। इसकी सहायक नदियों में जैसे मैंने कहा अभी झेलम, चेनाब, राबी, ब्यास, सतलुज, इनका प्रवाह क्रम और ये इसकी मुख्य नदियों का स्वरूप है, जिनसे कि प्रमुख प्रवाह बनता है। अब बात करें गंगा के अपवाह की, तो इस अपवाह तंत्र में गंगा तथा इसकी सहायक नदियां सम्मिलित हैं। प्रमुख रूप से गंगा यह नदी उत्तरांचल के गढ़वाल हिमालय में 7010 मीटर की ऊंचाई पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है। इसका नाम गंगा तब पड़ता है जब इसमें दो नदी शीर्ष अलकनंदा तथा भागीरथी देवप्रयाग में आकर के मिलते हैं। दक्षिण पश्चिम दिशा में 280 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यह हरिद्वार के निकट पर्वतीय प्रदेश को छोड़ करके मैदानी प्रवेश भागों में प्रवेश करती है। इलाहाबाद के निकट इसमें यमुना नदी आकर मिलती है। इसे संगम अथवा प्रयाग के नाम से पुकारा जाता है। इसके बाएं किनारे पर रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी एवं महानंदा इसके साथ आकर मिलती है। और इसके साथ ही आकर मिलती हैं तथा साथ ही फरक्का के बाद में गंगा की मुख्य धारा पूर्व व दक्षिण पूर्व की ओर होती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ इसे पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ से यह नदी कई धाराओं में बटकर डेल्टा का निर्माण करती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। भागीरथी हुगली क्षेत्र में प्रायद्वीपीय पठार से आने वाली कई छोटी छोटी नदियां इसमें आकर मिलती हैं। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसमें लगभग 350 किलोमीटर उत्तराखंड में, 1150 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में, 445 किलोमीटर बिहार में तथा 520 किलोमीटर पश्चिम बंगाल में और शेष बांग्लादेश में है। अकेले भारत में गंगा का अपवाह क्षेत्र लगभग 8,61,404 वर्ग किलोमीटर है। सहायक नदियों के क्रम में बात करें इसकी, तो यमुना नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी प्रमुख हैं। अब तीसरा अपवाह उत्तर का जो है वह है ब्रह्मपुत्र अपवाह ड्रेनेज सिस्टम। भारत के उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र अपवाह है। यहाँ ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियाँ विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। ये नदी चेमयुंग डुंग हिमानी से निकलती है। यह हिमानी मानसरोवर झील के दक्षिण पूर्व में लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत सिंधु नदी के स्रोत से 150 किलोमीटर तथा सतलज नदी के स्रोत से केवल 35 किलोमीटर दूर स्थित है। सिंध तथा सतलज पश्चिम की ओर बहती हैं, जबकि ब्रह्मपुत्र पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। तिब्बत में यह नदी 1800 किलोमीटर की दूरी तक हिमालय के उत्तर में उसके समानांतर बहती है। तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं। नामचा वरवा के निकट यह दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और दिहांग के नाम से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है।
इसके पश्चात यह सेदिया के निकट असम घाटी में प्रवेश करती है, जहां इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। असम घाटी में यह नदी 720 किलोमीटर की दूरी तक प्रवाहित होती है। धुबरी तक यह नदी पश्चिम की ओर बहती है, फिर उसके बाद दक्षिण की ओर मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में यह गंगा के साथ मिलकर गंगा ब्रह्मपुत्र नामक विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। डेल्टाई भाग में गंगा ब्रह्मपुत्र के मुख्य धारा कई उपधाराओं में विभक्त हो जाती है। इसमें मधुमती, पद्मा, सरस्वती, हुगली तथा भागीरथी प्रमुख हैं। सिंधु तथा सतलज की भांति यहाँ भी पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र है, जो हिमालय पर्वत के दिहांगार्ज हिमालय पर्वत में दिहांगार्ज बनाता है। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, जो गंगा नदी से भी अधिक है। अनेक सहायक नदियाँ ब्रह्मपुत्र में आकर मिलती हैं। इनमें से दाहिने किनारे पर मिलने वाली नदियों में मुख्यतः सबनसीरी, भारेली तथा मानस है। इसके बाएं छोर पर मिलने वाली प्रमुख नदियों में दिबांग, लुहित, बुरीदिहिंग, धनसिरी, कोपली आदि नदियां हैं। ये सभी नदियां अधिक वर्षा वाले पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती हैं और ब्रह्मपुत्र नदी में आकर बड़ी मात्रा में जल लाती हैं। असम के अधिकांश भाग में ब्रह्मपुत्र एक गुम्फित नदी है। यह अपने साथ बहुत सी रेत मिट्टी लाती है और नदी विसर्प भी यहाँ बहुत हैं। डिब्रूगढ़ के पास यह नदी 16 किलोमीटर चौड़ी हो जाती है और इसमें बहुत से द्वीप भी हैं। यह अगर द्वीप की बात की जाए तो यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी देखने को मिलता है। आइए बात करते हैं अब प्रायद्वीपीय पठार की नदियों के क्रम में अपवाह तंत्र के बारे में। तो प्रायद्वीपीय पठार की नदियों के क्रम को दो भागों में बांटा गया, एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और दूसरी अरब सागर में गिरने वाली नदियों का क्रम। अब इनमें से बंगाल की खाड़ी में जो प्रमुख नदी क्रम है, आइए उस पर चर्चा करें। प्रमुख महानदी, यह छत्तीसगढ़ के अमरकंटक श्रेणी के दक्षिण में रायपुर जिले से 442 मीटर की ऊंचाई से निकलती है और उड़ीसा से होकर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। इसका ऊपरी भाग तस्तरीनुमा छत्तीसगढ़ मैदान में है, जो तीन ओर से पहाड़ियों द्वारा घिरा हुआ है। इसमें कई सहायक नदियां आकर मिलती हैं। मुख्य सहायक नदियां ई, माड, हसदो तथा तेल हैं। कुल लंबाई नदी की 857 किलोमीटर है और इसी नदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले यह 9500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला डेल्टा निर्मित करती है। गोदावरी नदी, यह प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट से उत्पन्न होती है और आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। इसका कुल अपवाह क्षेत्र 312812 वर्ग किलोमीटर का है, जिसमें 50% भाग अकेले महाराष्ट्र में है। शेष अपवहन क्षेत्र कर्नाटक, उड़ीसा तथा आंध्र में स्थित हैं। विशाल आकार तथा विस्तार के कारण यह प्रायः वृद्ध गंगा अथवा दक्षिणी गंगा के नाम से पुकारी जाती है। बहुत सारी सहायक नदियां हैं इसकी, प्रवदा, पूर्णा, मनप्रा, वेन, गंगा, पैनगंगा, वर्धा, प्रणहिता, इंद्रावती, मानेर, साबासी इसकी प्रमुख सहायक नदियां। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले 120 किलोमीटर चौड़ा डेल्टा निर्मित करती है। भारी निक्षेप के कारण ये डेल्टा लगभग 35 किलोमीटर समुद्र की ओर बढ़ा हुआ है। इसके बाद तीस क्रम में अगली नदी है कृष्णा। इसकी उत्पत्ति महाबालेश्वर के निकट एक झरने से होती है। यह नदी अपने उद्गम से मुहाने तक महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र में 1400 किलोमीटर की यात्रा करती है और इसकी सहायक नदियाँ कोयना, भीमा, तुंगभद्रा, घाट प्रभा आदि हैं। ये नदी एक बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसका क्षेत्रफल 4600 वर्ग किलोमीटर तथा तटरेखा 120 किलोमीटर है। तटरेखा के साथ गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के डेल्टा आपस में मिलते दिखाई देते हैं। अगली नदी है कावेरी नदी। यह नदी पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी माला से निकलती है और कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्यों में बहती हुई
कावेरी पत्तनम के निकट बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। इसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। इसका अपवहन क्षेत्र लगभग 87,900 वर्ग किलोमीटर का है, जो केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्यों में फैला हुआ है। मैसूर पठार में यह नदी कई जलप्रपात बनाती है, जिनमें शिव समुद्रम उल्लेखनीय है। इस नदी की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके ऊपरी भाग में ग्रीष्मकालीन दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों द्वारा वर्षा होती है, जबकि इसका निम्न भाग लौटती हुई शीतकालीन उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनों द्वारा वर्षा प्राप्त करता है। इस प्रकार इस नदी में सारा साल जल बहता रहता है, जिसका प्रयोग सिंचाई व जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। इस नदी ने आयताकार डेल्टा बनाया है, जिसका क्षेत्रफल 8,000 वर्ग किलोमीटर है। फिर अन्य जो नदियां हैं इस क्रम में सुवर्णरेखा तथा ब्राह्मणी व पेनार, ये अपेक्षाकृत छोटी नदी हैं। अब बात करते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियों की। प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व से पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियों में प्रथम है नर्मदा नदी। यह नदी मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ की सीमा के निकट अमरकंटक नामक पहाड़ी से उद्गमित होकर भड़ोच के निकट अरब सागर की खाड़ी खंभात में जा गिरती है। समुद्र में गिरने से पहले यह 27 किलोमीटर लंबा ज्वारंदमुख एस्टुअरी बनाती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 1,310 किलोमीटर तथा इसका अपवहन क्षेत्र 98,796 वर्ग किलोमीटर है। इसके उत्तर में विंध्याचल तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत स्थित हैं। यह नदी इन दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित भ्रंश घाटी में बहती है। इस नदी के रास्ते में मध्य प्रदेश में जबलपुर के निकट संगमरमर की सैल आते हैं, जिन पर बहती हुई यह नदी बहुत ही सुंदर दृश्य बनाती है और जलप्रपात बनाती है। भेड़ाघाट का संगमरमर का जलप्रपात इस क्रम में बहुत प्रसिद्ध है, जो लगभग 15 मीटर ऊंचा है। यह धुआंधार जलप्रपात के नाम से विख्यात है। नर्मदा के अपवहन क्षेत्र की विशेषता है कि इसमें सहायक नदियों का अभाव है। अब बात करते हैं दूसरी, तापी नदी। यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में महादेव की पहाड़ियों से उद्गमित होकर वहाँ से यह सतपुड़ा के दक्षिण में स्थित दरार घाटी में नर्मदा के समानांतर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हुई सूरत के निकट खंभात की खाड़ी में विलीन होती है। कुल लंबाई 730 किलोमीटर है। तापी का बेसिन क्षेत्र 65,145 वर्ग किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में फैला है। इन दो प्रमुख नदियों के अतिरिक्त भी अरब सागर में गिरने वाली जो अन्य नदियां हैं, जिनमें माही नदी की उत्पत्ति विंध्याचल पर्वत से 533 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात खंभात की खाड़ी में गिरती है। साबरमती का उद्गम क्षेत्र अरावली पहाड़ियों में राजस्थान के डूंगरपुर से है और यह दक्षिण पश्चिम की दिशा में 300 किलोमीटर की दूरी करके खंभात की खाड़ी में विलीन होती है। लूनी यह राजस्थान के अजमेर के दक्षिण पश्चिम में निकल करके 320 किलोमीटर पर बहने के पश्चात कच्छ की खाड़ी में गिरती है। पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली अनेक नदियां जो आकार में छोटी हैं, लगभग 600 छोटी छोटी सरिताएं पश्चिमी घाट से निकल करके अरब सागर में प्रवेश करती हैं। प्रायद्वीपीय भाग से चंबल, बेतवा, केन, सोन आदि नदियां गंगा प्रवाह तंत्र में प्रवेश कर जाती हैं। चंबल नदी विंध्याचल पर्वत से महू के निकट निकलती है और उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए कोटा के निकट गार्ज निर्मित करती है। इसके पश्चात यह उत्तरी पूर्वी दिशा में बहती हुई उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 1,050 किलोमीटर है। अपने प्रवाह में यह बीहड़ खड्ड बनाती है। चंबल की भांति बेतवा तथा केन नदियां भी गार्ज निर्मित करती हैं और यमुना में मिलने से पहले बीहड़ खड्डों का निर्माण करती हैं। सोन नदी अमरकंटक पठार से निकलती है और रामनगर के निकट गंगा में मिलने से पहले यह 780 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो ये एक हमारे ड्रेनेज सिस्टम पर जब हम बात करते हैं तो भारत के संदर्भ में इसका उत्तरी भारत में हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के क्रम में विभक्त करके इसको अध्ययन करते हैं। छात्रों, यहाँ देखने की बात है कि हमें
प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से, अपने बीए फाइनल की परीक्षा की दृष्टि से ये ध्यान रखना होगा कि नदियों से संबंधित प्रश्न में मुख्यतः उस प्रवाह क्षेत्र का स्वरूप हमें मालूम होना चाहिए, नदी की कुल लंबाई मालूम होनी चाहिए, उसका किन किन सहायक नदियों के साथ में जल ग्रहण क्षेत्र बन रहा है, ये बिंदु ध्यान होने चाहिए। और इन सबसे ऊपर जो चीज़ है, प्रमुख रूप से जो हमें अभ्यास करनी है, वह है इसकी मानचित्र पर स्थिति। हमें आप अभ्यास के रूप में भारत के मानचित्र पर इन नदियों की स्थिति, लोकेशन, स्थिति का अभ्यास करें, इनके नाम अंकित करें, जिससे कि आपको ये अच्छे अंकों के साथ में अगर ये प्रश्न आपको परीक्षा में मिलता है तो उत्तीर्ण कराने में मददगार होंगी। धन्यवाद।